personality and think she's a woman which have which she's very unapologetic woman, and she's bold, she's sexy. So I think so nobody could look boldest Radha like this. So I think she was the ideal place to shoot for this collection. Okay, what's the theme of current collection? You know, it's something related to 26 January, which is so that's the reason we have got green over here, we've got white over. जो हमारा रिपब्लिक डे है आई थिंक सो दिस कलेक्शन ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय दैट एंड वी ट्राइंग टू डिपेक्ट द इंडियन एलिमेंट्स टू इट विद द ट्राई कलर्स ऑफ लाइक यू कैन सी ऑरेंज एंड ग्रीन इन द ज्वेलरी द लिटिल बिट ऑफ आइवरी ओवर हियर सो जस्ट डिपेक्टिंग 26 जनवरी ओके राखी आप क्या कहना चाहेंगे 26 जनवरी और कहीं रोहित चीजें नजर आती हैं आपकी ज्वेलरी बिल्कुल रोहित मैं फर्स्ट पूरा फैशन डिजाइन में कदम रखा है और पहली बार इज माय वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट डिजाइनर तो उन्होंने 26 जनवरी के लिए जैसे उन्होंने कहा कि लिटिल बिट ऑफ गोल्ड में ग्रीन है ऑरेंजेस है यू नो वाइट हाँ लहंगा है बहुत सारे बीट्स है तो एक नया स्टाइल में एक मुझे प्रेजेंट किया है पूरा बहुत ही अमेजिंग ये स्टाइल है एंड आई फील वेरी नाइस मैं जितनी बोल्ड हूँ मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे एकदम एकदम बोल्ड वुमेन एंड एकदम हिंदुस्तान की यू नो एक लक्ष्मण रेखा को दिखाते हुए एक उसकी यू नो हमारी संस्कृति को प्रेजेंट करते हुए एकदम मुझे वाओ अमेजिंग मुझे बना दिया है उन्होंने दैट्स लुक्स मैं ऐसे कभी था थी नहीं तो इन्होंने मुझे एकदम मेरा डिफरेंट अवतार किया है 21वीं सदी की अमर की आम्रपाली मानती मैं आज की आम्रपाली बिल्कुल हर कोई द्रौपदी बनना चाहता है सीता बनना चाहता है मैं आज की आम्रपाली ओके ओके राखी व्हाट्स हैपनिंग प्रोफेशनल फ्रंट और क्या हो रहा है यू नो व्हाट्स इन द पाइपलाइन सब कुछ है फिल्म है वीडियोस हैं लॉट्स ऑफ थिंग्स अब लेकिन आज का मेरा पूरा डे सिर्फ रोहित वर्मा के लिए ओके 26 जनवरी किस तरह से आप बनाती हैं ना 26 जनवरी देश का संविधान रखा गया था आप किस तरह से सेलिब्रेट करती हैं और अगर संविधान में कुछ बदलाव लाना चाहें तो क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगी कानून में कुछ बदलाव लाना चाहेंगी डेफिनेटली आई एम अ वुमन आई एम अ गर्ल सो डेफिनेटली जो मोदी जी ने मुहिम छिड़ी है यू नो बेटी बचाओ की तो ये हमें इस पर सिर्फ बोलना नहीं चाहिए इस पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए डेफिनेटली भ्रूण हत्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए एंड मैं हिंदुस्तान के लोगों से बस यही कह सकती हूँ कि बेटी बचाओ ओके इंडस्ट्री में यू नो मेल और फीमेल दोनों एक्ट्रेस की अगर मैं फीस की बात करूँ तो बहुत डिफर करती है हालांकि एक एक्ट्रेस भी उतनी डिजर्विंग होती है जितना कि एक यू नो मेल एक्टर तो क्या आप उस बारे में भी कुछ बदलाव लाना चाहेंगी कि उनकी भी फीस इक्वल टू हो यू नो एज पर द फीस यस यू नो वी आर गेटिंग पेड स्पेशली द एक्ट्रेस एक्ट्रेस एंड एक्टर डिफरेंट क्वाइट डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट यू नो See, I really don't know about the guys, you know, for male, how much they take. I know about me, like females ke liye, toh definitely unka hard work hota hai. Toh definitely, male se zyada female ko paid hona chahiye. Thank you so much. Okay.